करते हैं, हमारे हार्ट को लेके लोग काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं, इसके लिए मेजर रिस्क फैक्टर क्या है? देखिए, मेजर रिस्क फैक्टर अगर हम बात करें तो हमारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो हमारे लाइफस्टाइल संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स है, जो लाइफ जीवन शैली से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे कि आपका डायबिटीज का होना, आपका हाइपरटेंशन होना, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा आपका फैटी लीवर होना, इसके अलावा आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज होना, बट इन सब फैक्टर्स में अगर हम बात कर लें, हार्ट अटैक होने का जो मेन रीजन है वो दो हैं। एक तो आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आप आमतौर पे सुनते होंगे। सो कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक्चुअल में क्या है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए फिर क्या टेस्ट है? कई बार हम अननेसेसरली कोई भी टेस्ट करा लें, हमें ये चेक करना है कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है कि नहीं, क्योंकि हार्ट अटैक का मेन कारण आपका ब्लॉकेज का रप्चर होना है, आपके प्लाक का रप्चर होना है। तो कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जिसमें हम डायरेक्ट अपनी कोरोनरी आर्टरीज को विजुलाइज कर सकें, एक्सेप्ट एंजियोग्राफी टेस्ट। और एंजियोग्राफी भी आपका दो तरह का टेस्ट होता है, एक हॉस्पिटल एंजियोग्राफी जो आपका कैथ लैब के अंदर करते हैं, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, और दूसरा एक सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो ग्लोबली काफी ज्यादा पॉपुलर है। उस टेस्ट के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज है कि नहीं है, कितना परसेंट ब्लॉकेज है, किस आर्टरी में ब्लॉकेज है। ये सब पता लगने के बाद हम एक टाइम से हमारा जो डिसीजन मेकिंग होता है वो बहुत इजी हो जाता है। और अगर आपका नॉर्मल है सीटी एंजियोग्राफी की, कोई ब्लॉकेज नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स हो सकते हैं कि किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं है। और अगर ब्लॉकेज आ भी जाता है थोड़ा बहुत, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो इसमें मेजर रिस्क फैक्टर है वो आपका साइकोसोमेटिक स्ट्रेस है, जो अभी हमने बिगनिंग में भी बात की कि लोगों के अंदर जो स्ट्रेस फैक्टर बढ़ गया है, पहले भी लोगों में स्ट्रेस था, पर कोविड के बाद हम देख रहे हैं लोगों के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत अधिक ज्यादा बढ़ गया है। और जो स्ट्रेस बढ़ने से क्या होता है कि आपके जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल, ये सब बढ़ जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगर का पॉइंट करते हैं, ट्रिगर करते हैं आपके हार्ट डिजीज को, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है, और एक हम और स्ट्रेस लेके रिस्क फैक्टर उसको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसको। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में लोग जिस